किसी ने क्या खूब कहा है, जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत बड़ा मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही मोमेंट है, बस यही मोमेंट है, इस मोमेंट को पहचानो जहां से आपकी तकदीर पूरी चेंज होने वाला है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबमरीन गेट की। तो यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे, जो मेरा मोल्ड है यहाँ पे मैं सबमरीन गेट यूज कर रखा हूँ और इसमें जो है केबीटी में इंसर्ट लेके सबमरीन गेट में डाल रहा हूँ। तो इस वाली कंटेंट में आपको कैसे गेट यूज करना है, किस तरीके से इसको डिजाइन करना पड़ेगा, इंसर्ट कैसा है, तो सारा चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख पाओगे मैं यहाँ पे स्ट्रेट लोकेटर वगैरह भी यूज किया हूँ, स्प्रिंग वगैरह भी यूज किया हूँ, किस तरीके से स्प्रिंग वगैरह यूज करूंगा। तो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है आपकी कोर में है, इसको किस तरीके से वहां से इजेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज का आप डिटेलिंग भी देखोगे। जैसे मैं ऑटोकैड में हर एक चीज का डिटेलिंग है। बेसिकली जो ये मेरा मोल्ड है ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, प्रैक्टिकल मोल्ड है, इसके ऊपर जो है मैं सबमरीन गेट की क्लास लेने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग को क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन थे, क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस में मैं सिखाता हूँ और आप देख पाओगे इस हर एक प्लेट की, जैसे गियर की डिटेलिंग होगा, ठीक है, हर एक चीज का डिटेलिंग है। स्प्रिंग कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, कौन सी किस किस स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, हर एक प्लेट के कॉन्वेंशनल सही है, 2D सही है, उसकी वायर का डिटेलिंग सही है, EDM सही है, तो हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। तो इसी तरीके से जो है हम इसकी आज गेट बनाने वाले हैं। मैंने आपको बताया कैसे केबीटी में इंसर्ट डाल के जो है सबमरीन गेट बनाते हैं, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो आप देख पाओगे ये कंप्लीट एक जो है 11 मोल्ड है। तो इस मोल्ड में हम बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं, कैसे कैसे क्या चीजें बनाना है, इंसर्ट कैसे करना है, कूलिंग किस तरीके से देना है, कहाँ से कूलिंग आएंगे आपकी, इंसर्ट में कूलिंग कैसे दूंगा, तो ये आपको पता लग जाएगा वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे को ये देखना है जो मेरा मोल्ड है, इस मोल्ड का जो है मैं कौन सी गेट यूज करूंगा और गेट जो होगा किस डायरेक्शन में होगा। कभी कभी गेट होता है आपकी कोर की डायरेक्शन में और कभी कभी होता है केबीटी के डायरेक्शन में। तो मेरा जो गेट है यहाँ पे केबीटी में डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जो हम इंसर्ट लगा के गेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ। जो मेरा कंपोनेंट है आप देख पाओगे, जो कैट्सअप आता है ना, ये टमाटो सॉस का जो कैट्सअप आता है, उसकी जो है ये मोल्ड है। ये कंप्लीट मोल्ड मैंने बना रखा है। आप देखोगे यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह भी मैंने पूरा करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हर एक प्लेट की डिटेलिंग मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हॉट रनर सिस्टम का डिटेलिंग बन रहा है, यहाँ पे हर एक गियर मोल्ड का जो भी गियर है उसकी डिटेलिंग है, हर एक प्लेट की साइज दे रखा हो, क्या क्या प्लेट है, कौन सी हार्डनेस में है, कितना क्वांटिटी है, तो हर एक चीज़ का यहाँ पे डिटेलिंग है। आप देखोगे ना सारा चीज़ें डिटेलिंग है, गाइड बुश का डिटेलिंग है, गाइड पिलर का डिटेलिंग है, यहाँ पे कौन सी मेटल है, कितना डायमीटर का आ रहा है, उसके बाद जो है हर एक चीज़ का आपको डायमीटर मिल जाएंगे, हर एक प्लेट के डिटेलिंग मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी कॉन्वेंशनल ड्राइंग करना होता है उसका भी डिटेलिंग मिल जाएंगे और जो भी CNC है उसके भी डिटेलिंग मिल जाएंगे, वायर कट EDM सबकी डिटेलिंग है। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे जो मेरा गेट लगा रहा हूँ, मैं कौन सी गेट लगाऊंगा यहाँ पे। जैसे मेरा कॉम्पोनेंट है, देखोगे कॉम्पोनेंट जो है ये वाला कॉम्पोनेंट है, इसमें जो मैं गेट लगाऊंगा सबमरीन गेट लगाना पड़ेगा, इसी एरिया में लगाऊंगा सबमरीन गेट। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा मुझे, केवीटी में इंसर्ट लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि कोर में सीधा मैं यहाँ पे गेट नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एंगल्स है उस हिसाब से यहाँ पे सेट नहीं होगा, कि सबमरीन गेट की कुछ कैलकुलेशन होती है, जो कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है जो गेट है हम कौन सी गेट यूज करेंगे, सबमरीन गेट यूज करेंगे। सबमरीन गेट की यूज करेंगे, सबमरीन गेट जो होती है 2 प्लेट मोल्ड में ऑटो डिगेटिंग होता है, मतलब अपने आप जो है टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबमरीन गेट यूज करना है। तो आप देख पाओगे जो है ये कंप्लीट बना हुआ है। ठीक है, कंप्लीट बना हुआ है, इसको मैंने आपको डिटेलिंग भी दिखा दिया। ठीक है, यह भी डिटेलिंग है, कुछ कुछ डिटेलिंग वगैरह यहाँ पे भी रखा हूं मैं, यहाँ पे क्या है, तो सारा डिटेलिंग जो है इसमें कंप्लीट है। तो अभी जो मेरे को आपको बताना है सबमरीन गेट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है जो आपकी सबमरीन गेट होती है वो कितना टाइप का होता है, और जो मैं यहाँ पे सबमरीन गेट यूज कर रहा हूँ वो मेरा कौन सा टाइप का सबमरीन गेट है। ठीक है, ये आपको समझना है। मैं कॉम्पोनेंट को इधर से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे फ्लिप टॉप कैप जैसा है, तो एक साइड इधर रहेगा, एक साइड आपका उधर रहेगा। तो आप जैसे ये गेट देखोगे, एक बार मैं पार्ट को भी ले जाता हूँ कंट्रोल बी करके, कंपोनेंट के साथ जो ये इंसर्ट है इसको भी मैं साथ में ले जाता हूँ। ठीक है, के बाद जो है इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन। अब ऐसे आप जैसे देखोगे ये जो मेरा गेट है सबमरीन गेट है और मेरा जो है केबीटी में लग रहा है। ठीक है, अब मानना ये है ये जो गेट होता है जिस तरीके से ये आपका रनर आ रहा है यहाँ पे, ये रनर कैसा है और जो सबमरीन गेट होता है, आप बोलोगे सबमरीन गेट कितना टाइप का होता है, चलिए सबमरीन गेट एक ही टाइप का होता है, जो इसकी सेक्शंस होती है ना, जो रनर का सेक्शन होता है वो आपका अलग अलग टाइप का होता है, पास टाइप का आता है। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये जो मैं आपका यूज कर रहा हूँ, ये मेरे जो मैं यूज कर रहा हूँ, पैराबोलिक भी यूज कर सकता हूँ मैं, ट्रेपेजॉइडल भी यूज कर सकता हूँ, सर्कुलर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सर्कुलर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पैराबोलिक यूज करूंगा। अब पैराबोलिक क्या होता है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक फोटो बना कर रखा हूँ, मैं उसको सिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरा यहाँ पे आप देख पाओगे
तो ये जो है मेरा क्या है, ट्रेपेजोइडल है। ट्रेपेजोइडल में क्या होता है, एक टेपर्ड एंगल रहता है हमेशा, इसमें आप जो है ट्रेपेजोइडल यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आपका आता है दूसरा वाला जो आता है आपका सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर में हाफ राउंड होता है सर्कुलर का, तो इसमें सेमी सर्कुलर में आती है। तो यहाँ पे एल कितना देखना है, क्या है, सी क्या है, ये सारे बारे में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद आता है आपका पैराबोलिक, जो मैं बना रखा हूँ ये मेरा पैराबोलिक है। आप जैसे यहाँ पे डिजाइन देख पा रहे हो ना, इसमें मैं पैराबोलिक सबमरीन गेट यूज किया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका आता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल भी आता है, जिसमें हेक्सागोनल में क्या होता है, बड़ा बड़ा जो ऑटोमोबाइल पार्ट होती है उसमें वगैरह भी यूज करते हैं। और लास्ट में आता है आपका सर्कुलर, जो मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्लैट सर्फेस में यूज होती है, लेकिन अपना जो एरिया है ये फ्लैट नहीं है, ये सर्कुलर एरिया में है। तो यहाँ पे इस केस में हम पैराबोलिक या ट्रेपेजोइडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस केस में आपको ट्रेपेजोइडल यूज करना है, किस केस में पैराबोलिक यूज करना है। अगर सर्फेस आपका फ्लैट है तो उसमें सर्कुलर आप जो है सेक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा जो सर्कुलर है कर्व में है, तो यहाँ पे मैं पैराबोलिक या ट्रेपेजोइडल यूज करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है पैराबोलिक यूज करके बनाया है। तो आपको ये देखना है जो भी आपकी गेज है तो इसको कैसे बनाओगे, इसकी कैलकुलेशन होगा कुछ, है ना। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है मैं इसको गेट को जो है बंद कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्लान लूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सारा कैलकुलेशन तभी पता लगेगा। और यहाँ पे एक जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लेके मैं एक सेक्शन दे दिया, पॉइंट एंड डायरेक्शन मैंने दे दिया। तो यहाँ पे मेरे को एक प्लान चाहिए, मेरा जो है पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो मैं बड़ा जैसे देख करके एक प्लान दे देता हूँ, ठीक है। मेरा प्लान आ गया है, अब मेरे को इस एरिया में सेक्शन खींचना है, इस एरिया में मेरे को सेक्शन खींचना है, तो मैं यहाँ पे एक क्या करूंगा, इंटरसेक्शन कर्व मारूंगा, ठीक है। इस फेस को सिलेक्ट करना है, फेस को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे जो मेरा प्लान है, प्लान के ऊपर मैं एक इंटरसेक्शन कर्व ले रहा हूं। इसको बनाने का जरूरत क्या है, इसको बनाने का जरूरत इसलिए है, जो भी आप बना रहे हो ये सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा प्लान लेके बनाना है आप। उसके बाद जो ये प्लान है, इस प्लान में एक स्केच लूंगा मैं, ठीक है, स्केच ले लिया मैंने। अब जो मेरा लाइन बनेंगे, ठीक है, तो लाइन बनेंगे जो मेरा लाइन, मतलब लाइन क्या है, यहाँ पे लाइन है कुछ, लाइन इन द सेंस जो मेरा पॉइंट स्टार्टिंग है, ये मेरा पॉइंट है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ से मैं बनाऊंगा ना गेट। यहाँ पे इस सर्कुलर सेंटर से लेके मैं एक सर्टेन को दे रहा हूँ, कर्व दे रहा हूँ, और एक मैं रेफरेंस के लिए एक मैं कि मेरे को एंगल सेट करना पड़ेगा, और ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन है इसको आप फिक्स करना है, इस लाइन को आपको फिक्स कर देना है, यहाँ पे जाके इसको आप क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। और ये जो लाइन है इसको हम एज ए सेंट्रल लाइन में कन्वर्ट कर। उसके बाद जो सबमरीन गेट का जो आपको एंगल डिसाइड करना पड़ता है, वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री का होता है, जो आइडियल डिग्री होता है वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसकी जो है पॉइंट डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पे जो है 30 डिग्री यूज करूंगा, ठीक है। तो आइडियल होता है 45 डिग्री होता है, पर जो है 30 डिग्री भी यूज कर सकते हैं, 60 डिग्री यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डिजाइन। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री यूज करूंगा तो मेरा यहाँ पे बहुत क्लोज हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो मैं आइडियल जो है यहाँ पे 60 के जगह 45 के जगह 30 डिग्री लूंगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। तो उसके बाद जो है इसके सेंटर और इसके सेंटर ये जो है इसको आपको रखना है 5 mm के अराउंड। 5 mm में आपका आ नहीं रहा है, 5.5 mm अराउंड मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। 5.5 mm जगह 5.6 mm, क्योंकि यहाँ पे जो आप कार्व देखे हो ना, ये जो लाइन है इसमें आपको टच होना चाहिए, 5.6 mm का जो है डिस्टेंस में है। तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस इन द सेंस क्या है, जब इसकी डिस्टेंस L1 का डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को A1 मिल गया, एंगल जो है मेरा क्या 30 डिग्री है, L1 जो है 5.6 का है। अब मेरे को A2 चाहिए, ठीक है। A2 में क्या है मेरा, A2 हो गया मेरा एंगल। अब A2 के बाद आपको ये पता करना पड़ेगा इसकी ओपनिंग कितना है। अब आपको क्या करना है, एक कर्व लेना है, कर्व लेके ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर में ये दे दूंगा, और जो मेरा पॉइंट होगा दोबारा से देता हूँ, थर्ड लेके मैं यहाँ पे देख हो रहा है, तो मैं लाइक इस ऐसे सिलेक्ट कर पाऊंगा, थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ जो है कुछ जाके मैं सिंपली पॉइंट ले रहा हूँ, सही जगह में नहीं आए तो मैं कैंसिल करना पड़ेगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, अब उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान आ गया है।
आपको ये ध्यान रखना है, ये जो प्लान है इस पॉइंट की डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट की डायरेक्शन में मेरा जो है ये आ गया है। अब जो है मैं इंसर्ट को ले आऊंगा, अब जो मेरा इंसर्ट है उसको ले आना है, ठीक है। एक एक करके मैं सबको ले आता हूँ। मेरा जो लाइन्स है इस डायरेक्शन में है, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो मेरा लाइन्स है ये मेरा जो है आ गया है, ठीक है। आप फिल्टर यूज कर लो, फिल्टर हट जाएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो आपका जो है यहाँ पे प्लान आ गया है। अब आपको इसके क्या करना है, स्केच लेना है। इस वाली जो आपने प्लान बनाया, इस प्लान में आपको एक स्केच लेना है, ठीक है। स्केच लेने के बाद आपका ये हिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हिल जाएगा, ऑब्वियसली हिलेगा ये। इसके बाद आपने वो करना क्या है, इसको मैं रोटेट कर दूंगा लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट कर देना है। यहाँ पे एक सिंपली सा पॉइंट बनाना, ये आपका गेट ओपनिंग हो गया। इसको कितना रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है आप 0.6 के लेके 0.8 से लेके 1 mm 1.2 mm तक जाता है ये, ठीक है। ये डिपेंड अपन मेटेरियल, अगर आप 1.2 रखते हो तो 1.2 से ज्यादा रखते हो तो क्या होता है, इसमें ऑटो इजेक्शन में दिक्कत आएगी। आप अगर प्रॉपर ऑटो इजेक्शन चाहिए तो 0.8 के आसपास रखना है, ठीक है। मेरा जो कंपोनेंट है इसमें आराम से फिलिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हॉर्नर मोल भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है 0.6 का रख रहा हूँ, ठीक है। 0.6 का मैं ये रख रहा हूँ। आइडियल जो होता है 0.8 एवरेज होता है, 0.8 लेके चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं 0.6 का रखूंगा, ठीक है। यहाँ उसके बाद जो है, क्योंकि मुझे ऑटो इजेक्शन चाहिए आराम से, स्मूथ इजेक्शन। अब उसके बाद जो मैं स्केच को सिलेक्ट करके इसको मैं इस डायरेक्शन में सर्टेन डिग्री दे दूंगा। उसके बाद जो है ये जो ए टू डिग्री है, ये जो डिग्री है इसको कैसे डिसाइड करना है। ये टू डिग्री हमेशा क्या पता है क्या होता है, ये हमेशा होता है 10 से लेके 12 डिग्री तक। एवरेज जो लेते हैं हम 10 डिग्री का लेते हैं, कभी कभी रेयर केस में 12 डिग्री भी लेना पड़ता है। तो ये आपको ओके कर देना इधर में। उधर के बाद आपका जो सब मेन गेट है ये खुल गया। के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे सब ट्रैक कर देना है। तो आपने आज का जो सेशन था इसमें आपने कैसे पता लग गया कि सबमरीन गेट कैसे बनाते हैं, है ना। इसकी एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है, यहाँ पे मैं इसको लेके इसको खोल देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है सबमरीन गेट जो है बन गया है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, जो सबमरीन गेट होता है, जो आपने सबमरीन गेट बनाया है, इसकी जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसे होता है, इसकी डिटेलिंग कैसे होता है इलेक्ट्रोड। चलो आपने इलेक्ट्रोड का डिटेलिंग गेट दोगे, लेकिन इसकी रीडिंग कैसे दोगे आप, सबमरीन गेट यूज करते हो इसका रीडिंग कैसे देते हैं, कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो दे दूंगा, जो आप लोग जिस तरह से सीख रहे हो ना उस तरह से भी पूछिए कैसे डिटेलिंग होता है, प्रॉपर डिटेलिंग, ठीक है। उसका भी डिटेलिंग करना पड़ता है, जो ईडीएम बनाते हो उसकी ईडीएम का जो डिटेलिंग करते हो वो डिटेलिंग कैसे होता है, रीडिंग कैसे रीड करते हैं। ऐसे तो आपको एक्स वाई तो दे नहीं पाओगे, रीडिंग कैसे देते हैं वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें पूछना है, कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है, आप पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से हम केबीटी में इंसर्ट लगाया, किस तरीके से हमने यहाँ पे सबमरीन गेट यूज़ करा, क्या कैलकुलेशन होती है, तो मैं इस वीडियो में यह कोशिश किया कि आप लोग को सारा चीज़ें कम टाइम में समझा पाओ। अगर किस चीज़ डिटेलिंग में सही है और उसकी अगर इलेक्ट्रोड की कैसे रीडिंग लेते हैं, डिटेलिंग कैसे करते हैं वो भी सही है, तो मैं अलग से वीडियो में डाल लूँगा। अगर वीडियो का रेस्पॉन्स सही आएंगे तो उसके ऊपर भी अलग से मैं वीडियो डाल दूँगा। जिसको भी पेड क्लासेस वगैरह सही है, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेरा मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत अट्रैक्टिव वगैरह ऑफर चल रहा है इस टाइम में, जो है आपका न्यू ईयर का भी ऑफर आ रहा है, तो आपको नीचे नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका जो बैचेस है उस अकॉर्डिंग आपको चलेंगे, अलग अलग टाइप का कोर्स मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट डिजाइन से लेके मोल्ड डिजाइन भी मिलेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग मिलेंगे, सीएनसी प्रोग्रामिंग मिलेंगे, मोल्ड फ्लो एनालिसिस, हर तरीके से कोर्स अवेलेबल है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही था, किसको भी अगर कुछ सीजन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।